मेरे साथियों, अगर गाय रखना और पालना सीखे हो तो उनकी इस भारी बारिश में व्यवस्था और सुरक्षा करना भी सीखिए। अभी हाल ही में कल भी हमारी टीम ने लगभग 8 से 10 गाय निकाली थी और आज फिर ये सांप भी घूम रहे हैं यहाँ पे। आज फिर गाय निकालने का कार्य जारी है। लगभग 2-3 या 4 अभी अनुमान नहीं है, मेरे साथ पीछे आ रही है। वहाँ मरी हुई है कुछ गाय, मरी हुई है। विरसा में पिछले दिनों बेतवा नदी में आई भारी बाढ़ का पानी विरसा शहर में घुस गया। हालात यह हो गए कि बेतवा किनारे वाले क्षेत्रों में रहवासी क्षेत्रों में नदी का पानी 8 से 10 फीट ऊंचाई पर बह रहा था। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग यहां से सुरक्षित स्थान पर चले गए थे, लेकिन अपने पालतू पशुओं को यही छोड़ गए। ऐसे ही एक फार्म हाउस में लगभग 100 गाय और भैंस भी फंस गई थी। बधा होने के कारण वह खुद को सुरक्षित भी नहीं कर पा रही थी, उनकी जान खतरे में थी। तभी इन जानवरों की जानकारी राजपूत कॉलोनी में रहने वाले कुछ युवकों को लगी, जिन्होंने अपने मित्रों को इकट्ठा कर इन गायों को सुरक्षित निकालने का निर्णय लिया। लेकिन पानी लगातार बढ़ रहा था, इसके बाद इन्होंने जान जोखिम में डालकर शाम होते होते 10 गायों को इतने पानी में भी निकाल लिया। इसके बाद सनातन हिंदू उत्सव समिति और रामलीला क्षेत्र के अन्य लोगों के सहयोग से बाकी जानवरों को भी निकाल लिया गया। वीडियो में देखिए कैसे खतरों के बीच लगभग पूरा डूबकर अपनी जान जोखिम में डालकर इन युवकों ने इन पशुओं को बचाया है। इन्हें अभी राजपूत धर्मशाला में रखा गया है, जहाँ वे पूरी तरह से सुरक्षित है। उन युवकों की इस जामबाजी की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। विरसा पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहले की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबर द न्यूज। हमारे बड़ी मिस्टर देख सकते हैं आप, हमारी गाय फंसी हुई थी यहाँ पर, तो हम ही लोगों सभी भाई लोगों ने रेस्क्यू किया है। अभी कम से कम 5 गाय आ चुकी है, अभी 10-15 गाय और, अरे 10-15 नहीं है, कम से कम 70 कम से कम 70-80 जानवर, 70-80 जानवर डेयरी।